As per the request of students, I am going to deliver this video lecture in both Hindi and English. विद्यार्थियों के अनुरोध पर इस वीडियो लेक्चर को मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में करने का प्रयास कर रहा हूँ. इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. So this is the simple introduction of electric generator. Electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. It works under the principle of electromagnetic induction. Let's develop the class. General construction of an electric generator. This is the north pole of the magnet. This is the south pole of the magnet. A, B, C, D is a rotating rectangular coil. This is an axial. B2 are two brushes. R1 and R2 are two rings. This is a galvanometer and this is ए ओपन सर्किट. तो इसके जनरल कंस्ट्रक्शन को देखने से पता चल रहा है ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का. ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर रोटेटिंग कॉइल है. ये एक एक्सल है. B1 और B2 टू ब्रश है. R1 और R2 टू रिंग्स है. ये एक गैल्वेनोमीटर है और B1 और B2 को जोड़ने वाला एक ओपन सर्किट है. तो दीज आर द पार्ट और कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. लेट लिस्ट हियर. फर्स्ट पार्ट परमानेंट मैग्नेट. सेकंड पार्ट a rotating rectangular coil. Third one
एक्सएल, फोर्थ टू रिंग्स, फिफ्थ टू ब्रशेस, सिक्स्थ वन गैल्वेनोमीटर, सेवेंथ वन ओपन सर्किट। सो दीज आर द पार्ट और कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इफ वी अरेंज दीज पार्ट और कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, देन वी गेट द जनरल कंस्ट्रक्शन और सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये कंपोनेंट या पार्ट को अगर दिए गए फिगर के आधार पर अरेंज कर देते हैं तो हमको जो मिलता है वही इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक सिंपल फिगर या कंस्ट्रक्शन होता है। लेट्स डेवलप द क्लास, आइए क्लास को आगे लेके चलते हैं। प्रिंसिपल एंड वर्किंग। ऑलरेडी आई हैव टॉल्ड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले ही बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब इसका वर्किंग क्या है, तो ए बी सी डी ये एक रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये आपका साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। तो इसके बीच में यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल जो है रोटेट करता है। तो जैसे ही ये रोटेट करता है तो फर्स्ट हाफ में इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है ए टू बी होता है और सी डी आर्म में सी टू डी होता है। बट सेकेंड हाफ में, जब सेकेंड हाफ के रोटेशन में करंट का डायरेक्शन और या ए बी जो है सॉरी सी डी जो है ए बी के स्थान पर आ जाता है और ए बी जो है सी डी के स्थान पर आ जाता है, तो इट मीन्स दैट वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ वी स्प्रेड फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थम ऑफ द राइट हैंड इन सच ए वे दैट each are perpendicular to each other, then four finger indicate the direction of the magnetic field, middle finger indicate the direction of the induced current, and thumb indicate the direction of the motion of the conductor. तो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप दाहिने हाथ के फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थम को इस तरह से खोले या फैला दे कि ये यदि एक दूसरे पर राइट एंगल पर हो या 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो आपका फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मिडल फिंगर जो है आपका जो इंड्यूस्ड करंट जो हो रहा है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और आपका थंब जो है आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है यहाँ पर। जब रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उससे जो करंट इंड्यूस्ड होता है उस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए या जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पर रोटेट करता है तो ये कम्प्लीट रोटेशन में, मतलब हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन जो है रिवर्स करता है। मतलब फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन ए टू बी या ए बी सी डी के डायरेक्शन में आता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। बट सेकेंड हाफ में
करंट का जो डायरेक्शन हो जाता है डी सी बी ए हो जाता है, और ये जो आपका ऑर्डर जो है, ये जो कर्व जो है कंटिन्यूसली रन करते रहता है जब तक आपका रेक्टाएंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। इट मीन्स दैट द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज कंटिन्यूसली कंटिन्यू अंटिल द रोटेटिंग कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में यह जब तक रोटेट करेगा, तो फर्स्ट केस में करंट ए बी सी डी फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में हो जाएगा डी सी बी ए। तो ये क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल में करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो इस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट रिवर्स, देन वी से दैट दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसको भी समझने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रिवर्स करे तो हम लोग कहते हैं कि ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। इट मींस दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट। हमारे पास दो तरह का करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक इनडायरेक्ट करंट होता है। तो इट मींस दैट एसी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट, वेयर एज द डीसी जनरेटर प्रोड्यूस डीसी करंट और डायरेक्ट करंट। तो अब हम लोग के पास दो जनरेटर हो गया या दो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, एक एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस है। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर हम लोग स्पिल्ट रिंग का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग मोटर में किए थे इलेक्ट्रिक मोटर में। तो उसका कंस्ट्रक्शन ठीक आपका इलेक्ट्रिक मोटर जैसा हो जाता है और बाकी सारा चीज ऐसा ही होता है। तो वंस अगेन आई रिपीट, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, वर्किंग में क्या होता है कि रेक्टाएंगुलर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, और जैसे ही रोटेट करता है तो रेक्टाएंगुलर कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं या पता करते हैं। तो ये जैसे ही रोटेट करता है तो फर्स्ट हाफ में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ अलग होता है, और सेकेंड हाफ में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है ठीक पहले हाफ के रिवर्स हो जाता है या उल्टा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए बी मूव्स अप होता है तो सी डी मूव्स डाउन होता है, लेकिन सेकेंड हाफ में सी डी जो है मूव्स अप होता है और ए बी जो है आपका मूव्स डाउन होता है, जिसके कारण फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी हो जाता है और सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन डी सी बी ए हो जाता है। और ये आपका चलते ही रहता है जब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टाएंगुलर कॉइल को रोटेट करवाते हैं। तो जब करंट ए बी सी डी के डायरेक्शन में जाता है तो आपका करंट जो है ओपन सर्किट में बी टू से लेकर के बी वन की ओर मूव करता है, लेकिन जब करंट का डायरेक्शन डी सी बी ए हो जाता है तो ओपन सर्किट में करंट जो है बी वन से बी टू की ओर जाता है, जिसको हम लोग आसानी से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो निडल जो है उसके डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है कि करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था, एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। और आशा करते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टाएंगुलर कॉइल को रोटेट करवाया जाता है, फर्स्ट हाफ में रेक्टाएंगुलर कॉइल का आर्म ए बी ऊपर की ओर जाता है और सी डी जो है नीचे की ओर आता है, सेकेंड हाफ में सी डी जो है ऊपर की ओर जाता है और ए बी जो है नीचे की ओर जाता है, फर्स्ट हाफ में करंट का डायरेक्शन ए बी सी डी होता है और ओपन सर्किट में ये बी टू से बी वन की ओर चला जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन डी सी बी ए हो जाता है
और ऑपेड सर्किट में करंट जो है B1 से B की ओर जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के कंपास के डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इन विच रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू रोटेशन रेक्टा एंगुलर कॉइल इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ induced current is determined or find out by Lemmings right hand rule। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग पता कर लेते हैं जो करंट इंड्यूस्ड होता है। फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन ए बी मूव्स अप एंड सी डी डाउन, बट इन सेकेंड हाफ सी डी मूव्स अप एंड ए बी मूव्स डाउन।
इन फर्स्ट हाफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ए बी सी डी बट इन सेकेंड हाफ सी डी बी ए इन द ओपन सर्किट करंट मूव्स फ्रॉम B2 to B1, but in second half it is B1 to B2. So after a certain interval of time it changes or reverses the direction of the current, so the induced current is AC current. After certain interval of time, the induced current reverse its direction. So it is called an alternating current. It is generally denoted by AC. So with the help of the electric generator we produced alternating current or DC current. Construction is slightly different, already I have said about it. And after a certain interval of time, if there is no change in the direction of the induced current, then we say that the produced current is DC current. तो मतलब certain interval of time के बाद यदि induced current reverse नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि यह जो current है DC current, और DC current जो है DC generator से ही produce होता है, जो पहले ही हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आपका electric generator works under the principle of electromagnetic induction in which rectangular coil rotates in the magnetic field. Due to rotation, rectangular coil induced current, the direction of the induced current is determined or found out by the Fleming's right hand rule. For first half rotation, AB moves up and CD moves down, but in second half CD moves up and AB moves down, और ये continuously चलते ही रहता है जब तक हम लोग
रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट हाफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ए बी सी डी बट इन सेकेंड हाफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सी डी सी बी ए इन द ओपन सर्किट करंट मूव्स फ्रॉम बी टू टू बी वन इन फर्स्ट हाफ एंड बट इन सेकेंड हाफ इट इज बी वन टू बी टू आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इंड्यूस्ड करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन सो इट इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट बट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट इंड्यूस्ड करंट जो है अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है आफ्टर ए सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था चलिए थोड़ा सा डेवलप करते हैं यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूजेज क्या है तो घर में जो बिजली वगैरह की जो सप्लाई होती है और वो जो बिजली हमको मिलता है वो एक्चुअली में ये एसी जनरेटर के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी जनरेटर विच इज यूज्ड इन इंडिया तो इट इज द 50 हर्ट्ज ये 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी जो एसी जनरेटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये करंट के डायरेक्शन को पर 1/100 सेकेंड में रिवर्स करता है और इसका एक और बेनिफिट एसी अल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी जनरेटर का एक और बेनिफिट है कि इसके लंबे दूरी तक इसको हम लोग बिना लॉस को एक्सेस कर सकते हैं या भेज सकते हैं बट इन केस ऑफ डीसी करंट वी आर अनेबल टू सेंड द करंट विदाउट लॉसिंग तो डीसी करंट को हम लोग बिना क्षय किए हुए या बिना लॉस किए हुए अधिक दूरी तक नहीं भेज सकते हैं सो दीज आर द यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसी एंड डीसी जनरेटर सो द frequency of AC is 50 hertz. The अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन आफ्टर ईच 1/100 seconds. We send AC current to a far distance. Without losing. So these are the usage and characteristic of AC generator. तो इंडिया में अलग अलग कंट्री में फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट जो है अलग अलग होता है बट इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट इज 50 हर्ट्ज हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट जो है पर 100 सेकेंड में जो है अपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था और हम इसको हिंदी और अंग्रेजी में बताने का प्रयास किए और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माई ब्लॉग आनंद प्रजापति blogspot.com तो इस टॉपिक का और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग आनंद प्रजापति blogspot.com में जा सकते हैं।
यू वेरी मच टू स्टे विथ मी। हमारे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।